और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है मरीजों का इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप। मुजफ्फरनगर में खेत में पड़ा मिला युवक का सड़ा गला शव। लापता युवक की गला रेतकर हत्या। मृतक के पास से ही भट्टे में करता था मजदूरी का काम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उन्नाव में मकान के छज्जे का लेंटर गिरने से 2 मासूमों की मौत की खबर। छज्जे के नीचे खेल रहे थे दोनों बच्चे। दोनों परिवारों में मचा कोहराम। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में रजिस्ट्रार कार्यालय के स्टोर में आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बलिया में 2000 के नोट वापसी को लेकर मंत्री राजभर का बयान। कहा आम जनता सब चिंतित नहीं तो विरोधियों को क्यों हो रहा है पेट में दर्द। मथुरा में हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना से फैली अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने की वजह। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदार भागे हॉस्पिटल से बाहर। घटना के बाद लोगों ने बनाई वीडियो। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का गैर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत 2 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना जानगंज क्षेत्र के काली नदी के पास का मामला। मैनपुरी के लाल दिव्यांग सूरज तिवारी बने हैं आईएएस। न पैर न एक हाथ, दूसरे हाथ का 3 उंगलियां हैं। परिवार थाना कुरावली कस्बे के रहने वाले हैं। घर में जश्न का माहौल है। बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। आईएएस बने हैं अजय यादव ने एटा का नाम रोशन किया है। सिविल सर्विसेज के तीसरे बार के प्रयास में सफलता पाकर आईएएस बने हैं अजय यादव। जनपद में दौड़ी है खुशी की लहर। गाजीपुर में शातिर अपराधी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो में व्यक्ति को धमकाते हुए नजर आ रहा है अपराधी। वायरल वीडियो करीब 3 से 4 महीने पुराना। एटा में कुत्ता चोरों का आतंक। स्कूटी सवार 2 लोगों ने पवेलियन कुत्ते को किया चोरी। कुत्ता चोरी का पूरा घटना सीसीटीवी में कैद। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंधी मोड़ का मामला। औरैया में अज्ञात वाहन के टक्कर से एक महिला की मौत की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। अज्ञात वाहन मौके से हुआ फरार। इटावा में सफाई राम गोपाल यादव ने 2000 नोट बंद होने पर बोले। राम गोपाल यादव बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 2000 के नोट पर बर्बाद कर दिए हजारों करोड़ों रुपए। प्रयागराज में रील बनाने वाली दुल्हन गर्ल का नाम, एक और वीडियो, एक और कारनामा। वीडियो में लड़की बिना सीट बेल्ट के ही कार चलाती आई नजर। वर्दी में अपने दोस्त के संग रील बनाने के साथ राइफल चलाते हुए भी नजर आए। देवरिया में थानेदार ने पीड़ित महिला को थाने से भगाया। पीड़ित ने कहा कि योगी पुलिस गरीबों की फरियाद नहीं सुनती। कौन सुनेगा गरीबों की फरियाद। चंदौली में पंचायत भवन चोरों के निशाने पर। सप्ताह में दर्जनों पंचायत भवन को चोरों ने बनाया निशाना। इन्वर्टर बैटरी सहित अन्य सामान उठाकर ले गए चोर। ग्राम प्रधान ने सदर कोतवाली में लिखित में शिकायत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।